महान क्रांतिकारी देशभक्त शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शिव राम हरि राजगुरु एवं सुखदेव जी के 88वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर दीपांजलि और माल्यार्पण कर अमर शहीदों को याद किया गया। बेतिहाता चौक पर बने भगत सिंह की मूर्ति पर शुक्रवार को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन समिति गोरखपुर एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। ब्रजेश त्रिपाठी ने कहा कि देश की आज़ादी में दो धाराएँ काम की थी, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल के नायक और हीरो सरदार भगत सिंह थे। सरदार भगत सिंह युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के आइकान भगत सिंह और राजगुरु बने। इसी नाते ये कार्यक्रम युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डालेगा और उनके आचार विचार को देशभक्ति में आगे ले जाने के लिए अग्रसर होगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए ब्रजेश त्रिपाठी ने कहा, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, अमर रहे अमर रहे। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, अमर रहे अमर रहे। सपूतों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। सरदार भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। देश की आज़ादी के लिए जिन लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसमें सरदार भगत सिंह का नाम प्रमुख है। 23 मार्च 1931 को पंजाब के लायलपुर स्थित गांव में जन्मे लाहौर जिले में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथी को फांसी दिया गया था। और उन्होंने फांसी के वक्त जो देश को संदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि देश को अगर आज़ाद कराना है तो इनकलाब के नारे को मजबूत करना होगा और याचना से ये देश आज़ाद नहीं होगा। अंग्रेज भीख मांगने पर आज़ादी नहीं देंगे, अंग्रेजों से रण करना पड़ेगा। और इस नाते हमको इस देश को आज़ाद करने के लिए माँ भारती जो प्राणों की आहुति मांग रही है, हम हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जाएंगे। और उन्होंने उसी समय गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का जो कार्यक्रम है, युवाओं को कितना प्रेरित करेगा? देखिए, देश की आज़ादी में दो धाराएं काम की थी, एक नरम दल एक गरम दल। और गरम दल के जो नायक थे, हीरो थे, वो सरदार भगत सिंह थे। सरदार भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के आइकान भगत सिंह बने, युवाओं के आइकान राजगुरु बने। और इस नाते ये कार्यक्रम युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डालेगा और उनके आचार विचार आहार विहार जीवन में प्रभाव डालते हुए देशभक्ति की धारा में ले जाने की तरफ अग्रसर होगा।